लेकिन आंटी ने पहले मुझे ऊपर से नीचे तक ताड़ लिया और उसके बाद अपनी बातें शुरू की। आंटी मुझे आपके सजेशंस बिल्कुल पसंद नहीं आए, आप कुछ खाया पिया कर दुबली हो गई है कि मैं अपने साथ कंफर्टेबल हूँ। दोस्तों नमस्कार, ये है गुफ्तगू गुरुवार और आज मैं पहले आपको एक कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी एक साल पहले की है जब मुझे किसी ने आलतू फालतू की सलाह दी थी जिसे मैं जानती भी नहीं हूँ। और एक आंटी जी थी जिनकी दुकान में मैं गई थी, मुझे कुछ कपड़े खरीदने थे और मैं उनके पास गई और मैंने अपने साइज के कपड़े मांगे। तो अब उनके पास थे नहीं थे ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आंटी ने पहले मुझे ऊपर से नीचे तक ताड़ लिया और उसके बाद अपनी बातें शुरू की। कहने लगी, बेटा आपको ना थोड़ा सा अपना वेट कम कर लेना चाहिए, हाइज भी थोड़ी सी कम कर लो आप, और सुबह उठकर आपने ऐसा करना है कि आपने 1.5 लीटर पानी पीना है और उसके बाद उसको ब्रश की हेल्प से बाहर निकाल देना है। ऐसा करने से आपको काफ़ी बेनिफिट होगा और आपको साथ के साथ अनुलोम विलोम वगैरह भी करनी चाहिए, आपको थोड़ी एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। अब मैं आंटी को देखती रही और मैंने कहा, आंटी मुझे आपके सजेशंस बिल्कुल पसंद नहीं आए, आप ये बताओ कि आपके पास कपड़े हैं कि नहीं है, अदरवाइज इन सब चीज़ों के लिए डॉक्टर हैं और बाकी सब लोग हैं, और अगर मैं अपने आप से खुश हूँ तो आपको क्या फर्क पड़ता है। आंटी जी आपको तो मैं जानती भी नहीं हूँ। ये तो थी आंटी जी ने मैं जानती नहीं थी, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम लोग खुद को ही शीशे में देख देख कर कोस रहे होते हैं, या फिर हम लोग किसी और से या फिर कोई और हमें हमारे हालचाल के बाद सबसे पहला कॉम्प्लीमेंट यही देता है कि बड़ी सेहत बना ली है या फिर कुछ खाया पिया कर दुबली हो गई है। और फिर आता है हमारा सोशल मीडिया जहाँ पर हर कोई अपनी परफेक्ट पिक्चर्स को शो करता है और हम उन्हीं चीज़ों के पीछे भागते भागते अपने आप को फिर से देखना शुरू करते हैं और पोस्टना शुरू कर देते हैं। कौन है वो लोग जो ये डिफाइन करते हैं कि एक परफेक्ट बॉडी क्या होती है? ऐसी आलतू फालतू सजेशंस के लिए बिल्कुल कान बंद कर दीजिए और अपने मन से पूछिए कि मैं अपने साथ कंफर्टेबल हूँ, क्या मैंने अपने लिए जो ब्यूटी के पैरामीटर्स डिसाइड किए हैं मैं उनके साथ कंफर्टेबल हूँ, क्या मैं अपने दिन भर के कामों को बिना थके आराम के साथ कर लेती हूँ, क्या या फिर 1 किलोमीटर चलने पर ही कहीं मेरी सांस तो नहीं फूल जाती है, या फिर हल्के फुल्के काम करने के बाद ही मैं बहुत ही थका हुआ तो नहीं महसूस करती हूँ या करता हूँ, क्या मैं फिजिकली फिट होने के साथ साथ मेंटली भी टेंशन फ्री हूँ, क्या मैं मेंटली भी हेल्दी हूँ या नहीं हूँ। ये सब चीज़ें हमें देखने की ज़रूरत है। तो ये मोटू पतले को खेल छोड़ दीजिए और अपने मन को सुनना शुरू कीजिए कि क्या मैं अपने साथ कंफर्टेबल फील करती हूँ, क्या मैंने अपने लिए जो ब्यूटी के पैरामीटर सेट किए हैं वो मेरे लिए कंफर्टेबल हैं या नहीं है। और साथ ही साथ आप ये प्रॉमिस भी कर सकते हैं कि किसी को भी हालचाल पूछने के बाद डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट देना हम शुरू नहीं कर दें ताकि हम दूसरों को हर्ट ना करें या फिर किसी को अनकंफर्टेबल फील ना करवा दें। आज की गुफ्तगू गुरुवार के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हम अपने साथ अपने लिए गुफ्तगू करेंगे और खुद को और जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले गुरुवार को। ओके बाय।